हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वॉइस ऑफ लाइफ। आज मैं आपके साथ दही बैंगन का रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। मैं बहुत सिंपल एंड इजी प्रोसेसर में बनाई हूँ और 5 से 10 मिनट्स के अंदर आपका ये दही बैंगन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा दही कितना थिक और कितना सुंदर यमी दिख रही है। पहले हम बैंगन को पतला पतला करके काट के उसको अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। जैसे कि बैंगन अगर थोड़ा सा कच्चा रहता है तो दही के अंदर डालने के बाद वो टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता है, इसलिए अच्छे से बैंगन फ्राई हो जाना चाहिए। ये है मेरा दही है और दही देखिए मेरा कितना थिक है। थिक दही लेंगे तो दही बैंगन का मज़ा बहुत अच्छा आता है खाने के टाइम पे। देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है। दही के अंदर मैं पहले बैंगन डालूंगी। बैंगन डालने के बाद उसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छोंक के लिए यहाँ पर मैं ऑयल में एक रेड चिली ली हूँ, उसके बाद उसमें पंचफोरन डाली हूँ। पंचफोरन में है राई, जीरा, सौंफ, काला जीरा एंड मेथी। फिर उसमें थोड़ा सा हींग डालना है। अभी मैं उसमें गार्लिक, ग्रीन चिली एंड ओनियन जो छोटे छोटे काट के तीनों रखी थी उसको मैं डाल रही हूँ। ये तीनों को डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। फिर अच्छे से ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स अगर पहले तेल में ऐड करेंगे तो वो जल जाता है और उसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए हमेशा करी लीव्स जो है प्याज या कुछ डालने के बाद लास्ट एंड में वो डालेंगे तो उसका फ्लेवर उसमें अच्छे से रह जाता है। ये देखिए अच्छे से उसको फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करो। दही और बैंगन को हमने मिक्स करके रखे थे, उसमें ही हमने जो छोंक प्रिपेयर किया वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और आपको आपके हिसाब से आपको जितना सॉल्ट चाहिए ये टाइम पे ही ऐड कीजिए। सॉल्ट ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मिक्स करो। देखिए आप मिक्स करने के टाइम पे मेरा दही देखिए कितना थिक है। इतना ही थिक रखना है दही को। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो दही बैंगन का मज़ा नहीं आता है। और कभी गार्लिक और प्याज जैसे मैं डाल के दही बैंगन बनाई वैसा कभी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। सेम प्रोसीजर में आप कभी बना के देखिए। मैक्सिमम आपको 5 से 10 मिनट्स लगेगा ये प्रोसीजर में दही बैंगन बनाने के लिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।